बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सोमवार को गांधी स्टेडियम परिसर से हरी झंडी दिखाकर 14 चापाकल मरम्मत टीम को रवाना किया। ये टीम अगले एक महीने तक लगातार भ्रमणशील रहकर सभी चापाकल को दुरुस्त रखेगी। डीएम ने बताया कि जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित 20,467 चापाकल हैं, जिसमें से 1,286 चापाकल खराब हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2700 चापाकल मरम्मती का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए 30 चापाकल मरम्मती दल की आवश्यकता है। 18 मरम्मती दल क्रियाशील हैं। टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये टीम सभी पंचायतों में घूम घूम कर चापाकल की मरम्मत करेगी, ताकि गर्मी के समय में लोगों को पीने के पानी की कमी ना हो। सभी नगर क्षेत्र में भी नगर निकायों द्वारा खराब चापाकल की मरम्मत कराई जाएगी। जिला प्रशासन लोगों को गर्मी में निर्बाध पानी आपूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। जिले में जितने चापाकल हैं, तो लगभग 20,000 के आसपास चापाकल हैं। तो ऐसे सभी चापाकलों की जांच करके जो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग 10% चापाकल है जिनको मरम्मती की आवश्यकता होती है, ताकि गर्मी के समय में लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। इसीलिए अब मरम्मती दल यहां से फ्लैग ऑफ किया गया है। 14 गाड़ियाँ अभी गई हैं, हालांकि 18 दल कुछ अभी तुरंत बनाए गए हैं, लेकिन प्रत्येक प्रखंड में 2-2 दल शीघ्र उसमें कर दिया जाएगा। और ये 2 दल हर प्रखंड में जाकर जहाँ जहाँ चापाकल खराब होगा उसकी मरम्मती करेंगे। कहीं पाइप वाइप भी सड़ा होगा तो उसको भी रिप्लेस करेंगे। और हम लोग ये टारगेट रखे हैं कि अगले एक महीना में लगभग 1,200 से 1,500 के आसपास चापाकल की मरम्मती करेंगे, और गर्मी के सीजन के पहले जितने भी चापाकल खराब होंगे उन सबकी मरम्मती करवाएंगे। ये PHD विभाग के द्वारा ये सभी दल का गठन किया गया और चापाकल की मरम्मती कराई गई। नगर क्षेत्र में सर चापाकल पड़े हुए हैं अभी खराब सर, तो नगर क्षेत्रों में नगर निकाय उसका मरम्मती कराएंगे, तो नगर क्षेत्र में भी किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। सर प्रत्येक दिन ही जाएंगे लोग? हाँ, अभी फ्लैग ऑफ किए हैं। अब हर ब्लॉक में जाके पंचायत पंचायत घूम घूम के चापाकल खराब होंगे सबकी मरम्मती करेंगे। जी सर, रिक्शा से अभी गए सर उतना खुदावनपुर इतना दूर से रिक्शा जा पाएगा सर अभी? सर क्या चीज़ सर? रिक्शा से गए? हाँ नहीं, वो देखिए जाके स्टैटिक हो जाएगा, उसके बाद अपने माध्यम से वो लोग जाके पंचायत में करेंगे।